皆さんこんにちは。とあずめ बताने जा रहा हूं गिनती 2 का पेज नंबर 163 का ग्रामर पैटर्न नंबर 5 नेम तो यू आइटम। ये क्या होता है इसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो यहां पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नेम तो यू आइटम। ये कॉपी में मैं लिखा हूं नेम तो यू आइटम। तो यू का मतलब होता है नाम का या कहा जाने वाला। ये नेम के जगह पे क्या आएगा, नेम की जगह पे कोई भी पर्सन या फिर थिंग वस्तु का नाम लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद तो यू लेना है, उसके बाद आइटम। आइटम अगर यहाँ पे कोई पर्सन का नाम लिए हैं तो यहाँ पे ही तो आएगा, मतलब आदमी आएगा, ठीक है, कोई पर्सन आएगा। अगर कोई वस्तु का नाम लेंगे, कोई जगह का नाम लेंगे तो वो चीज़ आएगा, ठीक है। आइटम कॉल्ड नेम, तो यू का मतलब हो गया नाम का या कहा जाने वाला, या फिर कॉल्ड भी इसको बोल सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसको सेंटेंस देखेंगे तो हम लोग को क्लियरली पता चल जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे बागी थीरी तो यू एगा ओ मिता कुतो गा आरिमास का। बागी थीरी तो यू एगा ओ मिता कुतो गा आरिमास का। बागी थीरी नाम का मूवी को देखे हैं क्या, बागी थीरी नाम का मूवी को देखे हैं क्या। तो ये तो यू का मतलब क्या हो गया, नाम का, नाम का या फिर कहा जाने वाला भी बोल सकते हैं। जो कहा जाने वाला लिखा हुआ है बागी थ्री, कहा जाने वाला मूवी को देखे हैं क्या, या बागी थ्री मूवी, बागी थ्री नाम का मूवी को देखे हैं क्या। सेकंड में है कि टोक्यो तो यू माचियो सितेमस का। टोक्यो तो यू माचियो सितेमस का, टोक्यो नाम का शहर को, ठीक है, टोक्यो नाम का शहर को जानते हैं क्या। तो यू का मतलब क्या हो गया, नाम का। थर्ड में कि मुकेश तो यू हितो वा कोनो मुरानी सुंदेमस का। मुकेश तो यू हितो वा कोनो मुरानी सुंदेमस का। मुकेश नाम का आदमी यह शहर में रहता है क्या। मुकेश नाम का आदमी यह गांव, सॉरी गांव, यह गांव में रहता है क्या। महा फोर्थ में देखना है कि महामाया तो यू हो तेरुआ बुद्धा गया दे इचिबान यू मे दिस। महामाया तो यू हो तेरुआ बुद्धा गया दे इचिबान यू मे दिस। महामाया नाम का होटल बोध गया में सबसे फेमस है। महामाया नाम का होटल बोध गया में सबसे फेमस है। फाइव में है कि संजय तो यू हितो वा अनतानु तुमदाची देशने। संजय तो यू हितो वा अनतानु तुमदाची देशने। संजय नाम का आदमी आपका फ्रेंड है ना, दोस्त है ना, वही लिखा हुआ है संजय नाम का आदमी आपका दोस्त है ना। तो यू का मतलब हो गया नाम का, नाम का या फिर कहा जाने वाला। कुछ बुक में लिखा हुआ उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पोची तो यू इनु ओ काते मस्ता। पोची तो यू इनु ओ काते मस्ता। पोची नाम का कुत्ता, इनु मतलब क्या होता है कुत्ता, डॉग। पोची नाम का डॉग को पाले हुए थे, ठीक है। हाना तो यू उता ओ उताई मस्ता। हाना नाम का गाना को गाए थे। तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोग को तो यू पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग मैसेज कीजिए, मैं उसको फिर से अच्छा से और भी डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।